आप देख रहे हैं लाइव टीम न्यूज, सच्ची खबर, ताजा खबर। माइक का जो डीएनए है इसमें खोट है। इस चिट्ठी में साफ तौर पे हम कह सकते हैं विश्वासघात है हर एक शब्दों में। इस चिट्ठी में पूरी तरीके से बेशर्मी है और ये जो चिट्ठी है ये केवल एक विभाग द्वारा ही चिट्ठी नहीं है बल्कि ये नीतीश कुमार के अंतरात्मा की उपज है। ये चिट्ठी का एक एक वाक्य, एक एक शब्द नीतीश कुमार जी के अंतरात्मा का उपज है। देखिए, नीतीश कुमार जी के दो तरीके हैं काम करने के, एक पीठ पे खंजर भोंकना और दूसरा किसी और के कंधे से बंदूक चलाना। और हम मानते हैं कि इस चिट्ठी के डीएनए में खोट है, यह अमानवीय है और बिहार के लोगों का, गरीबों का मजाक उड़ा रहा है। इसलिए जो सरकार के दिल में क्या है वो जो है सबके सामने आ गया, तो हमको लगता है कि जन जन तक इसको बताना पड़ेगा। और आदरणीय नीतीश कुमार जी को आगे आकर के बिहार की जनता, खास तौर पे जो हमारे श्रमिक भाई हैं, उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, बिहार के हर एक गरीब से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सरकार ने तो मान ली गलती हुई है उनसे, सरकार देखिए इतनी बड़ी गलती, ये मतलब कि ये चिट्ठी में आप लिख कैसे सकते हैं? और गलती मानने में जो है, आप जो है 29 तारीख की चिट्ठी है, आप पता नहीं कल ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो कल ही जो है माफ़ी मांग रही है सरकार। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, कितना टाइम लग गया इनको माफ़ी मांगने में और ये गलती कर कैसे सकते हैं? एक चिट्ठी अगर सर्कुलेट हुआ है तो आप देखिएगा 3-4 लेवल में वो चिट्ठी जो है गई है, 3-4 लेवल में वो गया है चिट्ठी, कितने लोगों के हस्ताक्षर हैं उस चिट्ठी में, और कोई ऐसी गलती कर भी कैसे सकता है, ये लिख भी कैसे सकता है? इसलिए कल हमको गुस्सा आया और हमने चिट्ठी को फाड़ा। अब लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग प्रतिकार कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं। कल जो है बीजेपी जो है अपने भूख को मिटाने के लिए अमित शाह रैली कर रहे हैं। बीजेपी और नीतीश जी की क्या भूख है? यही भूख है, सत्ता का भूख है, पावर का भूख है। वो उस भूख को मिटाना चाहते हैं, हम गरीब के भूख को मिटाना चाहते हैं। हम गरीब के साथ खड़े हैं, श्रमिकों के साथ खड़े हैं, श्रमवीर के साथ खड़े हैं, बेरोजगारों के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े हैं। और नीतीश कुमार जी आए आगे माफ़ी मांगने का काम किया, तो उन्होंने भी कुछ नहीं है, वो भी तो केंद्र में सरकार में है। सीढ़ी हटा दें, हम लोगों ने काम किया विपक्ष में रहते हुए, वो तो केंद्र सरकार में है, बिहार सरकार में। अब चिराग जी की जो स्थिति हो गई है वो जवानी की अडवानी जी हो गए। चिराग भाई जो हैं वो जवानी के अडवानी हो चुके हैं, तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं कहें। कल राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी और उससे ज़्यादा जो है बिहार के गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार, नौजवान भाई थाली पीटेंगे सुबह 11 बजे से लेकर के ठीक 11 मिनट तक, यानी 11 बज के 11 मिनट तक, यानी 11 मिनट तक।